जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान के इस पार्ट टू वीडियो में। अब तक पार्ट वन वीडियो में हमने सीखा है कि भारतीय संविधान का जो आगाज हो रहा है, धीरे धीरे बेसिक बन रहा है, उसको किस तरीके से सीढ़ियों का नाम दिया गया, मतलब कंपनी के शासन को किस तरीके से इंक्रीज किया गया। कंपनी जो कि व्यापार करने आई थी, अब वह जो है भारत में प्रशासनिक और राजनैतिक हस्तक्षेप करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो गई है। किस तरीके से उसको कितना पावर दिया जा रहा है और उन सबको हम सीखे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके शासन को बनाए रखने के लिए लंदन से उनके लॉर्ड लोगों ने जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, उसमें किस तरीके से कंपनी को क्या क्या मिला है, आई बटन पे क्लिक करके आप इसका पार्ट वन वीडियो देख के वहां से जान सकते हैं। अब शुरू करते हैं, हम पिट्स इंडिया एक्ट तक सीखे थे। अब उसके बाद आता है चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। तो सबसे पहले आया 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था मुख्य बिंदु, यह जानते हैं। तो चार्टर अधिनियम कंपनी शासन का बनाए रखने, इसमें लिखा गया है कि नियंत्रण बोर्ड का जो वेतन था पहले लंदन से आता था, कि जो नियंत्रण बोर्ड में कौन नियुक्त किए जाते थे, अंग्रेजों में नियुक्त किए जाते थे, कि अंग्रेज ही सब ऑफिसर होते थे। अब क्या कहा गया, नहीं बाबू, तुम भारत में काम कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, भारत वालों से लूट रहे हो ना, अब लूट रहे हो भारत वालों से, वेतन हम देंगे, नहीं वेतन भी भारत से मिलेगा। उन्होंने क्या नियम लाया चार्टर अधिनियम का, 1793 का चार्टर अधिनियम आया, उसका मेन क्या मोटिव रखा गया कि जो नियंत्रण बोर्ड है जो कार्य कर रहा है, अब उनका वेतनादि, वेतनादि का मतलब वेतन के साथ में जो उधार जो भी उपहार मिलता था, उनका पीएफ कटता था और उनको पेंशन जो दी जाती थी, सब कुछ वेतन के साथ में जितने भी चीजें मिलती थी वह सब भारत के राजस्व से दिया जाएगा। जो भारत से राजस्व कैसे इकट्ठा करते थे, कर लेते थे, और कहीं पे जो शासन के लिए बंगाल पे उनका कब्जा था, बंगाल के जितने भी कर हुआ थे सबसे अब उनको वेतन देंगे। तो 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसका मेन मोटिव क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड का अब वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है। यह नियम लाके उसने अमेंडमेंट कर दिए, बहुत अच्छा किए, ठीक। इसके बाद 1813 में जो है एक चार्टर अधिनियम और पारित कर दिए। 1813 में चार्टर अधिनियम लाए, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह लाए इन्होंने कहा कि कंपनी का जो अधिकार पत्र है, मतलब कंपनी का अधिकार था कि इतने दिन तक शासन करेगी कंपनी, इतने दिन तक चलेगी, तो उन्होंने कहा कि जो अधिकार पत्र पे साइन हुआ था इसको 20 वर्ष और बढ़ा देते हैं। 1813 से जो आया था, मतलब 1813 और 33, 20 वर्ष जोड़ोगे कितना होगा 1833, उन्होंने कहा कि अब कंपनी जो 1833 तक स्वतंत्र होकर बिना किसी रोक टोक के शासन करेगी। उन्होंने पहला यह नियम लाया कि जो अधिकार पत्र पर था 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया कंपनी का शासन, कि बिना किसी रोक टोक के जैसे चल रही है, बीच में कोई एक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे चलती रहेगी कंपनी का शासन, ठीक है, अधिकार पत्र पे। और उन्होंने कहा कि अब जो है अधिकार पत्र पे बढ़ाया 20 वर्ष, उन्होंने यह भी किया कंपनी के शासन कुछ कम किया, कि पहले केवल कंपनी शासन कर सकती थी इंडिया में, इंडिया में केवल कंपनी ही शासन कर सकती थी, कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, अब उन्होंने इसका अधिकार थोड़ा कम किया। उन्होंने कहा नहीं, और जो ब्रिटिश वाले आएंगे और जो अंग्रेज चाहते हैं व्यापार करना, कि कंपनी से हटके अपना कुछ व्यापार, मतलब वहां पे अगर बढ़िया बढ़िया गढ़े हुए हैं गुल्ली और वो अपना गुल्ली लाके इंडिया में बेचना चाहते हैं, तो स्वतंत्र हो भाई, तुम्हें कंपनी में लाके अपनी बोरी अब इस तरह नहीं बिछाना है, तुम यहाँ के वहीं इंडिया गेट के सामने बिछाओ और इंडिया में बेचो। उन्होंने कह दिया कि अब जो है कंपनी ही केवल व्यापार नहीं कर सकती है, और ब्रिटिश वाले और अंग्रेज अगर चाहें वह भी आकर व्यापार कर सकते हैं, ऐसा छूट दिया गया। लेकिन कंपनी का जो अधिकार चाय पर था, चाय बेचने पर, चीन लोगों से चाय अधिक, पहले चीन जो है चाय बहुत पैदा करता था ना, तो चीन वालों से चाय था, वह उस पे अधिकार कंपनी का बना रह गया कि नहीं भाइयों, चाय हम लोग बेचते हैं, चाय का जो व्यापार कर रहे हैं वो चाय का व्यापार केवल ही कंपनी कर सकती है, कंपनी के अलावा कोई दूसरा जाके अपने खेत इस चाय यहां नहीं बेच सकता था। चाय कौन दिया, अंग्रेजों ने ही हमें चाय दिया है ना, तो चाय वही बेचेंगे और चाय जो है और कोई नहीं बेचेगा, कंपनी ही बेचेगी, यह दो नियम बना। और ईसाई पादरियों का आगमन, पादरी कौन होते हैं, ईसाई पादरी मतलब ईसाई के धर्म गुरु,
उन्होंने कहा अब ईसाई के जो धर्म गुरु होते थे कि अब देखो पहले क्या था 1813 के पहले ईसाई लोग भारत में नहीं आ सकते थे, केवल कंपनी का जो शासन करते ऑफिसर लोग होते थे, अधिकारी लोग होते थे, केवल वही भारत में आ सकते थे। अब क्या उन्होंने कहा कि जो धर्म गुरु लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं ईसाई के, जाओ, और इंडिया वाले मूर्ख तो हैं ही, उनको तुम अब हिंदू मुस्लिम में बटे हुए उनको अब तुम ईसाई बनाओ और बोलो तुम अंग्रेज बनोगे, तुम ईसाई बनोगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि ईसाई पादरी को अब जो है इंडिया में भेजा जाने लगा। 1813 के पहले इंडिया में कोई ईसाई नहीं आ सकता था, 1813 में इस चार्टर अधिनियम के बाद ईसाई पादरी भारत में आ सकते थे। मतलब 1813 से ही ईसाई पादरियों का भारत में आगमन होने लगा। ईसाई पादरी मतलब ईसाई के धर्म गुरु, जो चर्च में नहीं होते, फादर होते हैं ना, वही लोग अब इस वहां से लंदन से यहाँ इंडिया में आने लगे और अपने चर्च की स्थापना करेंगे। वह भी एक यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब ईसाई का जो धर्म धंधा था वह भी यहाँ पे चलने लगेगा। ठीक है, तो यह मेन मोटिव था। तो आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन से, अब देखिए 1813 का आया, 1813 में 20 साल का अधिकार पत्र जो है साइन हो गया, मतलब 20 साल तक कोई भी अधिनियम नहीं आने वाला है। अब सीधे 1833 का चार्टर अधिनियम आएगा। अब देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है। तो अब देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, है ना। 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है बिल्कुल खत्म, कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म, मतलब जो कंपनी है या व्यापार नहीं करने वाली है, अब कंपनी केवल यहाँ के प्रशासन को देखेगी, यहाँ के राजनीतिक मामलों को देखेगी। मतलब कंपनी जो व्यापार करने के लिए बनी थी अब वह काम खत्म हो गया, अब यहाँ के प्रशासन मतलब यहाँ पे शासन करने वाली है अब कंपनी, व्यापार वहीं से खत्म। मतलब 1833 का जो चार्टर अधिनियम पारित हुआ कि कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, कंपनी से अधिकार खत्म चल जाएगी, कोई भी व्यापार कर सकता है, केवल कंपनी ही नहीं करेगी, कंपनी अब प्रशासनिक काम करेगी, राजनीतिक काम करेगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या कहेगी कि बंगाल का गवर्नर जनरल, जो पहले गवर्नर जनरल केवल बंगाल का हुआ करता था, अब पूरे भारत का होगा। पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल केवल था, अब वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अब वह भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, और फिर कहा गया कि मद्रास, जो कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, अब बोला गया कि मद्रास और मुंबई दोनों को स्वच्छंद स्वतंत्र कर दिया गया कि जाओ तुम अपने अपने जगह का कानून बना सकते हो। मतलब मद्रास और मुंबई का विधि निर्माण तुम स्वयं कर सकते हो, उनको इससे मुक्त कर दिया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो अंदर थे ये, अब उनसे यह मुक्त हो गए कि स्वयं का विधि निर्माण अब कर सकते हैं। दास प्रथा के लिए बोला गया कि जो दास प्रथा इंडिया में थी कि दास बनाते थे लोग, पशुओं के समय पशुओं के समान व्यवहार करते थे, पशुता दिखाते थे, वह दास प्रथा को विधि के अगेंस्ट बोला गया कि यह जो विधि के जो है अगेंस्ट है, विधि के विरुद्ध है दास प्रथा। मतलब कहा गया कि 1833 का चार्टर अधिनियम में जो है इसको दास प्रथा के विरुद्ध बताया गया कि दास प्रथा का इसने विरोध किया। ठीक है, तो दास प्रथा का यहां से विरोध हुआ है। और उसके बाद 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ। मतलब इसमें विधि कानून बनाने का जो है मेन मुद्दा रखा गया। तो हम कह सकते हैं जो है कि इसमें जो है विधि बनाने, है ना, विधि का ज्यादा उल्लेख हुआ है 1833 का चार्टर अधिनियम में। और 1834 में जो है मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का पहली बार भारत में गठन किया गया। ठीक है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम आप देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, जो 1853 में चार्टर एक्ट आया था। अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 के बाद 20 साल बाद फिर जो 1853 का चार्टर अधिनियम आता है, इसके तहत जो है कंपनी में पद के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। ऐसा बोला गया कि जो कंपनी में पद अपने आप वहां से लंदन में पहले से नियुक्त करके भेजे जाते थे कि कंपनी में तुम इस पद पे काम करोगे, अब जो कहा गया कि हर पद के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दी जाएंगी। तो इसके लिए जो है 1854 में मैकाले समिति बनाई गई कि मैकाले समिति जो है प्रतियोगी परीक्षाएं कराएंगी, और उस प्रतियोगी परीक्षा में जो पास होंगे तो उन्हें ही कंपनी में जो है उस पास के बाद उनके हिसाब से पद दिए जाएंगे, जैसे कि आज होता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि आज हो रहा है। तो 1854 में कंपनी के लिए जो है 1853 में आए चार्टर अधिनियम के द्वारा यह नियम बनाया गया कि कंपनी के जो पद है प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब यहाँ पे होगा। तो यहाँ से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत होती है मैकाले समिति के द्वारा। ठीक है,
उसके बाद क्या कहा गया कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहले जो है बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर होते थे वो विधायी शक्तियों को देखते थे, ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो विधायी शक्तियों को देती थी, अब कहा गया कि जो प्रशासनिक कार्यों को देखते थे अब और विधायी कार्य जो है अलग अलग कर दिए गए, कि विधि बनाना मतलब कानून बनाना जो है ये अलग लोगों का काम होगा, मतलब अलग लोग कानून बनाएंगे और प्रशासन मतलब शासन जो है वो अलग लोग करेंगे, मतलब कानून अलग बनाएंगे शासन अलग करेंगे, इसमें भी अब अलग विलग कर दिया गया, ठीक है, कि विधायी शक्तियां जो है अलग रहेंगी और प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग अलग रहेंगे, और विधायी कार्य करने वाले कानून बनाने के लिए 6 नए पार्षदों की नियुक्ति की गई, कि ऐसे 6 नए लोग रहेंगे, 6 नए पार्षद इंग्लैंड से यहाँ पे आए कि वह लोग जो है कानून बनाएंगे, और उन्हें ही कहा गया कि वह विधायी पार्षद के नाम से जाने लगे, उन्हें बोला गया विधान पार्षद, ठीक है। विधान पार्षद कौन थे, कि जो 6 नए लोग विधायी शक्तियां विधायी कार्य करने वाले कानून बनाने के लिए जो यहाँ देश में आए थे उन्हें ही 6 नए विधान पार्षद के नाम से जाना गया कि वह विधान पार्षद थे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि कितने लोग विधान पार्षद के रूप में भारत में आए थे, तो कितने लोग आए थे, 6 नए लोग आए थे जो भारत में विधान पार्षद का कार्य करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए कंपनी का शासन जो 1857 तक था, ठीक है, 1857 तक, इसके बाद एक आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब जो है इसके बाद ही 1857 तक कंपनी का शासन का अंत होने वाला है। कंपनी का अंत तो 1833 में ही हो गया, कि जो कंपनी का मेन कार्य था व्यापार करना वह उनसे छीन लिया गया, उस कार्य को प्रशासनिक के रूप में देखा गया। पहले जो है डेमो दिया गया, डेमो देखा गया कि कंपनी शासन कैसे करती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब अगर दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब 1833 से लेकर 20 साल तक 1853 और फिर जो है 4 साल और शासन किया 1857 तक, इतना शासन कर लिया इनको लगा कि अब आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यह अब कंपनी का शासन यहां से हटने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं कंपनी का शासन खत्म, कंपनी का शासन बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ कि 1857 में जो क्रांति हुई थी सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता था, मंगल पांडे जी ने जिसमें आगाज किया था, मंगल पांडे ने पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम हुआ था मंगल पांडे जी के द्वारा। तो 1857 में जो है जब अंग्रेजों को लगा कि अब बात जो है कंपनी के बस की नहीं है, कंपनी नहीं संभाल पा रही है, तो उन्होंने कंपनी का शासन बिल्कुल खत्म कर दिया। नाम ही था शासन तो यही लोग कर रहे थे, कंपनी का शासन के नाम से खत्म कर दिया गया। अब उसका नाम क्या रखा गया कि ताज का शासन, ताज मतलब क्राउन, और कहां का ताज, ब्रिटिश का ताज, मतलब ब्रिटिश, अब ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जो हैं डायरेक्टली इंडिया में आके शासन करेंगे। तो कंपनी का शासन कितना था, बस 1857 तक ही कंपनी का शासन था। अब 1858 से लेके 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता तब तक जो है ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज जो हैं खुलेआम यहाँ पे इंडिया में शासन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ताज का शासन जो हुआ 1858 में, तो 1858 का जो है पहली बार जो 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, तो यह जो है यहाँ पे 1858 का भारतीय शासन अधिनियम 1858 बोला गया इसे कि भारत में शासन का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम हुआ पारित। और इस अधिनियम का जो है, भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, इस अधिनियम की मुख्य बातें जो है ये रही। पहली बात क्या थी कि मंत्री पद की व्यवस्था की गई, कंपनी का शासन खत्म, कंपनी के सारे काम खत्म, अब उन्होंने कहा कि मंत्री पद रखे जाएंगे कि जो कि डायरेक्टली जो है यहाँ पे शासन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री पद की व्यवस्था की गई। और दूसरी बात कहा गया कि मुगल सम्राट का जो पद होता था, पहले मुगल सम्राट का जो पद होता था उसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया, कि अब कोई भी मुगल यहाँ पे सम्राट के पद पे नहीं रहेगा, कोई भी मुगल सम्राट का पद अब नहीं रखा जाएगा, डायरेक्ट यही लोग जो चाहेंगे गवर्नर जनरल वाइसराय किंग लॉर्ड एलिजाबेथ जो भी चाहेंगे वो रखेंगे, बिल्कुल ये खत्म हो गया। मुगल सम्राट का पद इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो दो पद नियुक्त किए गए थे कंपनी का शासन चलाने के लिए, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे व्यापारिक कार्य देखते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे व्यापारिक कार्य देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होते थे राजनैतिक मामला देखते थे भारत में, तो इन दोनों पदों को खत्म कर दिया गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बिल्कुल खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, इनके स्थान पर किसकी नियुक्ति की गई, इस राज्य सचिव, भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, कि अब भारत में राज्य सचिव ही
डायरेक्टली शासन करने वाले हैं, ठीक है। तो भारत में इनकी जगह पर राज्य सचिव का नियुक्ति किया गया। उसके बाद क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। जो पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था 1833 में, गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। अब उसके बाद क्या कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, वह डायरेक्ट वायसराय बन गया। क्या बन गया? वायसराय बन गया। तो यह भी पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता है, मतलब नॉर्मल सी बात है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का पहला वायसराय होगा। जो अंतिम गवर्नर जनरल वही तो प्रमोट हुआ है, जैसे गवर्नर प्रमोट हुआ, वारन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का। उसके बाद क्या होगा कि गवर्नर जनरल प्रमोट होके वायसराय बने, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोलो या भारत का पहला वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। कौन था? कैनिंग। अब वही बोलते हो आप लॉर्ड कैनिंग, जो भी है कैनिंग, ठीक है। कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था कैनिंग, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कैनिंग था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होता है, अगला भारत शासन अधिनियम का अगला पार्ट देखते हैं। अब इसके बाद जो है अगला आया 1861 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, इसके तहत क्या बोला गया, इसके तहत बोला गया कि कार्यकारिणी परिषद का विकास किया गया। जो परिषद कार्य करती थी उस परिषद का विकास किया गया है, उसमें विभागीय परिषद लाया गया है। अब विभागीय प्रणाली की मतलब अलग अलग विभाग बनाए जाएंगे। कोई अगर गणित के संबंधी अकाउंटिंग संबंधी कार्य कर रहा तो अकाउंटिंग का अलग विभाग, कोई अगर खसरा खतौनी देख रहा तो खसरा खतौनी का अलग विभाग, कोई अगर पुलिस विभाग देख रहा है पुलिस विभाग का अलग विभाग, मतलब अलग अलग विभागों में बांटने की प्रक्रिया लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट की। कैनिंग ने जो है अलग अलग प्रक्रिया स्टार्ट की है अब बांटने में, ठीक है। कार्यकारिणी परिषद का इस तरीके से उसने विकास किया। अब विभाग जब बढ़ रहा है तो विभाग में जो ऑफिसर भी बढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ विभागीय परिषद में अब इंडियन भी शामिल होने वाले हैं, कि भारत के लोगों को भी मौका मिलेगा कि आओ। इससे पहले क्या हो रहा है 1853 में ही आया कि पद के लिए जो पेपर देना पड़ेगा, तो हाँ जी पेपर देना पड़ेगा, तो पेपर देके अब इंडियन भी पेपर देके इसमें आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार हो गया कि अब वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जारी कर सकता है। अब उस समय गवर्नर जनरल को ही अधिकार दिया गया, पहले बार आया कि अध्यादेश जारी कर सकता है, और इस अध्यादेश जारी करने की अवधि मात्र 6 महीने की होगी, कि मात्र 6 महीने तक ही अध्यादेश चलेगा उसका, ठीक है। अध्यादेश कैसे जारी होता, क्या होता है, इसे संविधान के पार्ट में बिल्कुल डिस्कस करने वाले बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, और 1862 में जो है कुछ लोग जो है 3 लोग इस विभाग में शामिल किए गए अंग्रेजों द्वारा, उनके शासन के विभाग में शामिल किए गए। वह 3 लोग कौन थे? पहले थे बनारस के राजा, पटियाला के राजा, बनारस के राजा, और सर दिनकर राव पटियाला के राजा और बनारस के राजा को 1862 में जो है विधान परिषद में नियुक्त किया गया। इन तीनों को जो है विधान परिषद में 1862 में नियुक्त किया गया। कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव जी, इन 3 लोगों को 1862 में अंग्रेजों के विधान परिषद में नियुक्त किया गया, ठीक है। 1873 का एक्ट आता है। 1873 एक्ट में क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अब अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, उसको भंग कर दिया जाएगा, और उसको उसका जो पूर्णतः भंग 1884 में कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का अधिनियम 1873 में पारित हुआ था और उसको 1884 में पूर्णतः खत्म कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 1 जनवरी 1884 में पूर्णतः भारत से खत्म हो गई। उसके बाद आया 1876 में शाही उपाधि का अधिनियम। अब उनको भी शाही उपाधि देने का शौक चढ़ा है कि अब इंडिया में आके वो भी उपाधि लेंगी, है ना, राजा बनेंगी, महारानी बनेंगी, ऐसा बनने वाले हैं वो लोग। तो एक 6वां सदस्य का नियुक्ति कर सकता है, जो गवर्नर जनरल होता था वह जो एक 6वां सदस्य का नियुक्ति कर सकता था जो लोक निर्माण कार्य में भाग लेगा, जो कि रोड रोड नहीं बनवाते हैं, देखते होंगे आप लिखा होगा लोक निर्माण कल्याण में बना हुआ, है ना।
तो छठवां सदस्य नियुक्त किया गया जो कि लोक निर्माण कार्य में सहयोग करेगा। यह अधिकार दिया गया जनरल को, गवर्नर जो वायसराय हो गया था उस वायसराय को अधिकार दिया गया कि तुम छठवां सदस्य के रूप में किसी को नियुक्त कर सकते हो जो लोक निर्माण का कार्य करे। और महारानी विक्टोरिया जो है 1876 में जो है भारत की साम्राज्ञी के रूप में घोषित की गई कि महारानी विक्टोरिया जो है अब भारत की साम्राज्ञी कही जाएंगी। तो यहां तक आप देखें पार्ट टू वीडियो में। इसके बाद हम पार्ट थ्री में बहुत अच्छे अच्छे अधिनियम अब आ रहे हैं, मार्ले मिंटो का या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और इसका हम 1947 तक का पूरा ब्यौरा करेंगे। उसके बाद से हम अपने संविधान में घुसेंगे, संविधान में कैसे कैसे नियुक्ति हुई सब कुछ जानने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं भारतीय संविधान का पार्ट टू वीडियो आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसके बाद भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। प्लीज इसको बहुत ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जिसको इसकी नीड है आपको लगता है कमेंट में, जो भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको लगता है आप कमेंट करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे वीडियो और बनाते रहें। थैंक यू।